आर्थिक व्यवस्था रोजगार से संबंधित एक त्रिकोण तीन मुद्दे जो बहुत निकट संबंध रखते हैं एक दूसरे से रोजगार दूसरा आर्थिक ढांचा जीडीपी आर्थिक दृष्टिकोण और तीसरा खाद्य सुरक्षा और हाल में इनके ऊपर विश्वसनीय स्वतंत्र निष्पक्ष आंकड़े भी छपे हैं मुद्दे भी उठाए गए हैं और इनसे प्रश्न ये उठता है मूल प्रश्न जो उठता है कि भाजपा हमको बताए सत्तारूढ़ सरकार हमको बताए कि नौकरियां कहां से आएंगी रोजगार कहां से आएगा ये बताए कि उनके मुख्यमंत्री कुछ प्रदेशों के और आप जानते हैं किस प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की ये जुमलेबाजी और दावादारी कब बंद करेंगे और बताएंगे देश को कि नौकरियों में आरक्षण से देश को क्या मिलने वाला है आरक्षण किस चीज का करेंगे जो आपके पास नहीं है उसका आरक्षण करेंगे जब नौकरियां ही नहीं है तो ये बताइए कि नहाएगी क्या निचोड़ेगी क्या ये सरकार आपको देगी क्या दावा क्या करेगी और जो आज देश की अवस्था है आर्थिक अवस्था है सुरक्षा स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था के जो मुद्दे हैं उस पर क्या जवाब है ये हम आपसे संक्षेप में डिस्कस करना चाहते हैं तो इसका जो पहला त्रिकोण का बिंदु है दोस्तों वो है रोजगार और हम बार बार इस विषय पे इसलिए आते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा सीधा निकट संबंध रखता है हमारे जीवन से और अब जो आया है जो मैंने आपसे पिछले दो तीन हफ्ते पहले बात की थी ये उससे भिन्न है अब जो आंकड़े आए हैं वो एक बहुत चिंताजनक मुद्दा इसलिए उठाते हैं कि जो सैलरीड क्लास है उसके आधार पर जीवित है उसमें इतना जबरदस्त भयानक एक गिरावट हुई है आपके देखे देखे आपके पिछले चार पांच महीनों के हर महीने के आंकड़े के उससे हम जवाबदेही मांगते हैं उस मुद्दे पे देश से सरकार से आंकड़े जो बताते हैं मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन अप्रैल से और अप्रैल तक अप्रैल से नहीं अप्रैल तक लगभग पौने दो करोड़ सैलरीड क्लास अब हम बात कर रहे हैं सैलरीड क्लास की सिर्फ रोजगार गवा दिए गए थे मैं आपको वो आंकड़ा दे रहा हूं पौने दो करोड़ का जो आपके जॉब्स अगर आप सैलरी क्लास है तो चली गई गायब हो गई छूट गई नष्ट हो गई आप बेरोजगार हो गए वो आंकड़ा अब एक दशमलव नौ करोड़ हो गया है यानी मैं समझता हूं कि इस आधार पे जब तक अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी निकट भविष्य में तब तक दो करोड़ हो जाएगा